अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कितने अच्छे हो ना। मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं है, मैं तो बहुत बुरा हूं। मैं रो दूंगी। क्यों नहीं, जल्दी से फटाफट। यहाँ तुमने आंखें बंद की और उधर मैंने बेशरम। देखो गाली वाली बाद में, पहले जुर्माना। दोस्तों आम तौर पे जब भी कोई हीरो या हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में आता है अपना असली नाम बदल देता है और फिल्मी नाम रख देता है, लेकिन आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं कर रहा हूं उन्हें अपना असली नाम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपना असली नाम चेंज करना पड़ा और फिल्मी नाम रखना पड़ा, और वो है द ब्यूटिफुल एंड क्यूट नेहा। अरे आपको तो ठंड लग गई जी, 5 मिनट और भीगा तो निमोनिया से मर जाऊंगा। और आपको निमोनिया से सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। सचमुच आप बहुत समझदार हैं। आ जाऊं चाहते मैं? हाँ हाँ आइए। छुर छुर जब नजरे मिली, छुर छुर फिर नींदे उड़ी, छुर छुर ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे मोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है जो उसे प्यार दे सके, उसे समझ सके, मरते दम तक उसका साथ निभा सके। आदमियों की भीड़ में मुझे वो इंसान तुम्हें मिल गया है राजू। 1975 में नेहा पैदा हुई थी दिल्ली में एक मुसलमान खानदान में। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और माँ एक हाउसवाइफ। नेहा की एक छोटी बहन भी है और नेहा का असली और पूरा नाम है शवाना रजा। नेहा ने अपनी एडुकेशन कंप्लीट की दिल्ली में और उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक एक्ट्रेस बनेंगी और फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी। वो कहती हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं वही करना चाहती थी जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे, और वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर, लेकिन शायद मेरी किस्मत में एक्ट्रेस बनना लिखा था और मैं बन गई। नेहा के एक फैमिली फ्रेंड थे जो फिल्म लाइन से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने नेहा के वालिद से कहा कि हमारी नेहा बहुत खूबसूरत है और वो एक बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती है, और मैं जानता हूँ कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर विद्यू विनोद चोपड़ा एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की तलाश है। आप नेहा को उनसे मिला दीजिए। नेहा के वालिद ने नेहा से पूछा, क्या तुम एक्ट्रेस बनोगी? नेहा ने कहा, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफर बहुत बड़े बैनर का है, यानी विद्यू विनोद चोपड़ा की तरफ से ऑफर आया है। फिल्म का नाम था करीब, जो आई थी 1998 में, और उसमें उनके ऑपोजिट थे ही मैन धर्मिंदर के छोटे बेटे बॉबी देओल। चुनांचे उन्होंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन में पास हो गई, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप महान है बिजू जी, इस मतलबी बेरहम दुनिया में दूसरों के लिए कौन इतना सोचता है? सोचना चाहिए नेहा जी, वक्त कबीर कह गए हैं, दुखी इस संसार में। पानी लेंगे आप? मेरे लिए एक ही काफी है, दूसरा इस गरीब के लिए है। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था नेहा, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर यानी विद्यू विनोद चोपड़ा चाहते थे कि नेहा का स्क्रीन नेम भी नेहा हो, लेकिन नेहा को अपना नाम यानी शबाना रजा
बहुत पसंद था और वो अपना नाम बदलना नहीं चाहती थी, लेकिन विद्यु विनोद चोपड़ा के इसरार पे उन्हें मजबूरी में अपना नाम बदलना पड़ा और ऐसे बनी शबाना रजा नेहा। इसीलिए उसका नाम रखा मेहा, तेरे नाम के साथ मिलाकर नेहा और मेहा। माँ हाँ। कहाँ है वो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? करीब हिट हो गई और लोगों को नेहा का काम और उनकी सादगी बहुत पसंद आई और इसके बाद उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली बड़े बड़े हीरोज के साथ, जैसे होगी प्यार की जीत अजय देवगन के साथ, फिजा ऋतिक रोशन के साथ और एहसास द फीलिंग सुनील शेट्टी के साथ। पापा का फोन आया था न्यूयॉर्क से, उन्होंने एक लड़का देखा है मेरे लिए और वो चाहते हैं कि मैं उसे एक बार मिलूं, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। आप बताइए मैं क्या करूं? दोस्तों 2001 में नेहा की एक फिल्म आई थी राहुल, जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश झा ने। नेहा कहती है कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि एज एन एक्टर ये रोल निभाने में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। रोल बहुत चैलेंजिंग था, एक डिवोर्सी मदर का रोल था। क्या हुआ है मेरे राहुल को? मैंने पूछा क्या हुआ है राहुल को, बोलते क्यों नहीं तुम? इसीलिए छोड़ा था राहुल को तुम्हारे पास? अगर मेरे राहुल को कुछ हो गया ना आकाश। शट अप बेटा, वो मेरा भी है और मैं जानना चाहती हूँ उसे हुआ क्या। शट अप, यू शट अप। दोस्तों हिंदी फिल्मों के अलावा नेहा ने साउथ की फिल्में भी की, जैसे तमिल और कन्नड़। ई जागा अंद्रे ननक तुम्बा इष्ट, ई प्रकृति सौंदर्यन अनुभवसक्के आगाग बर्ता इर्तीनि। नानु अष्टे। नीवु बर्ता इद्रा? हम्म, आवत्त नीन बर्ता इदीनि, नीवु सिक्ता ने इरलिल्ल। 2006 में नेहा ने शादी कर ली मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी से। उनकी एक बेटी है, उनकी बेटी का नाम है अवान नायला, और शादी के बाद भी वो फिल्मों में काम करती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास होने लगा कि उन्हें वो रोल्स नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने फिल्म लाइन को बाय बाय कर दी। आज वो एक बहुत खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। वो कहती हैं कि जब लोग मुझे नेहा बाजपेयी कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। नेहा भले ही आज फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री मेरे दिल के बहुत करीब है। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।